नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस ने कुख्यात अपराधी सुशील मूछ पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने सुशील मूछ की लगभग 4 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की है। इसमें 65 बीघा जमीन शामिल है। बता दें कि सुशील मूछ हत्या के मामले में वांटेड चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे यहाँ पर डुगडुगी बजाकर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और वहां पर बाकायदा एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया गया है। हमारे सहयोगी विनेश पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनेश, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? देखिए, मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जो कुख्यात सुशील मूछ है, उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। क्योंकि जो सुशील मूछ है वो 302 यानी हत्या के मामले में वांछित चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर के नईमंडी कोतवाली क्षेत्र में एक हत्या की घटना को अंजाम दिया था और तब लिया गया। इसके अलावा एक प्लॉट भी है जिसको भी कुर्क किया गया। इससे पहले कुख्यात सुशील मूछ के जो साथी है उनकी भी करोड़ों रुपए की जो चल अचल संपत्ति थी उसको भी कुर्क किया गया था और आज कुख्यात सुशील मूछ की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर लखनऊ के अकबरनगर इलाके में अवैध कब्जे पर कार्रवाई जारी है। एलडीए आज शाम के बाद अकबरनगर फर्स्ट इलाके में भी कार्रवाई शुरू करेगा। कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए बाहनगर रेलवे जवान तैनात किए गए हैं। बता दें कि यहां अब तक 330 से ज्यादा अवैध मकान और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स ध्वस्त किए जा चुके हैं। किया था और 395 आवास थे और सभी को आवासित कर दिया। करीब 500 लोगों को यहां से आवास दिया था हम लोगों ने। सभी शिफ्ट हो चुके हैं और सभी को तोड़ने की कार्यवाही चल रही है। आज शाम तक 100% डिमोलिशन हो जाएगा। अकबर नगर फर्स्ट में हम लोग कल से उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और कुल मिला के 57-58 गाड़ियां कल रात में भी लगी थी। उनको ट्रांसपोर्टेशन का साधन दिया जा रहा है, कुछ अपने साधनों से ले जा रहे हैं लोग और अभी वो सामान निकाल रहे हैं। जैसे सामान निकाल लेते हैं आज शाम तक वो सामान निकाल लेंगे मैक्सिमम। तो आज शाम से या कल सवेरे से ड्राइव वहां चलेगा। बरेली में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बीडीए ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। आरोप के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी बनाई गई थी। बता दें कि बीडीए अब तक 50 से अधिक अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन ले चुका है। अग्निवीर योजना पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। अग्निवीर जवानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अभी अग्निवीर जवानों का कार्यकाल 4 साल है। 25% रिटेंशन की स्कीम में बदलाव हो सकता है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अग्निवीर योजना बदलाव के तौर पर जवानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अभी फिलहाल अग्निवीर जवानों का 25% कोटा निर्धारित किया गया था। अब ये जानकारी मिल रही है कि रिटेशन को और बढ़ाया जा सकता है, 25% से उस कोटे को ज्यादा किया जा सकता है। हमारे सहयोगी संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस खबर से संबंधित? देखिए, जब से अग्निपथ स्कीम लागू हुई है यानी कि तकरीबन 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल में अभी फिलहाल दो तीनों सेना के अंगों में तीनों के जो है पहले बैच जो है अभी वो है, यानी कि 1.5 साल का कार्यकाल हुआ है और उसके बाद 2.5 साल का भी उनका बचता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से, खासतौर पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बात कही गई थी, क्योंकि एक स्कीम है और एक योजना है, योजना को समय समय पर रिव्यू भी किया जाएगा। जिस दिन, जिस वक्त ये लॉन्च किया गया था स्कीम, उसी वक्त ये बात कही गई थी कि समय समय पर इसको रिव्यू किया जाएगा और अगर किसी तरीके की कोई बदलाव की गुंजाइश हो तो उसको भी किया जाएगा। तो उसी हिसाब से फिलहाल जो सूत्रों के मुताबिक डीएमए जो है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उन्होंने तीनों सेना के अंगों से रिव्यू मांगा है, उन्होंने डिटेल्स मांगी है, उसके हिसाब से रिव्यू भी किया जाएगा। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितना किस तरीके का बदलाव उसमें होगा, लेकिन जो बात कही जा रही है कि जो रिटेंशन है यानी कि जो 25% सैनिकों को रखना है, बाकी 75% जो अग्निवीर है उनको नहीं रखना है। हो सकता है कि रिटेंशन का जो परसेंटेज है ये बढ़ सकता है, साथ ही जो भर्ती है, क्योंकि इस वक्त अगर आर्मी की बात करें, आर्मी में सिर्फ इस बार 40,000 से अग्निवीरों की जो है भर्ती की गई थी, तो हो सकता है कि इस नंबर को भी बढ़ाया जाए ताकि जब नंबर बढ़ेंगे तो 25 रिटेंशन होगा। अगर रिटेंशन 25% भी हुआ तब भी सेना में सैनिकों की संख्या ज्यादा होगी और साथ ही जो 4 साल का जो कार्यकाल है, हो सकता है इसमें भी कुछ बदलाव हो सकता है। छुट्टियां जो कि रेगुलर सोल्जर और अग्निवीरों की छुट्टी है उनके बीच में डिफरेंस है। और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि अगर सैनिक कोई अग्निवीर अगर कोई एक्सीडेंट में या किसी ट्रेनिंग के दौरान उसकी मौत हो जाती है या किसी ऑपरेशन में उसकी जान चली जाती है तो उसके घर वालों को फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या दे सकते हैं, कितना हो सकता है, उन सब चीजों को लेकर भी अभी चर्चा जरूर चल रही है और ये बहुत मुश्किल है कि बदलाव है। दो बड़ी पहली तो ये कि कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, 4 साल से उसको ज्यादा किया जा सकता है, और दूसरा हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। उधर बस्ती में चलती कार आग का गोला बन गई। कार सवार लोगों ने किसी तरीके से कूद कर अपनी जान बचाई। देखते देखते कार धू धू कर जलने लगी। जब तक ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश करते कार जलकर राख हो चुकी थी। बताया जा रहा कि भीषण गर्मी के चलते कार ओवरहीट हो गई, जिसके चलते कार में आग लग गई। ये लोग इलाज कराने के लिए बस्ती आ रहे थे। राजनाथ सिंह ने आज पदभार संभाल लिया। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रक्षा मंत्रालय पहुंचकर चार्ज लिया। बता दें कि राजनाथ सिंह ने दूसरी बार रक्षा मंत्री का पदभार संभाला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी सरकार 2.0 में भी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे और मोदी सरकार 3.0 में भी एक बार फिर से उन्होंने रक्षा मंत्री के तौर पर आज पदभार संभाल लिया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो गृहमंत्री थे, लेकिन दूसरी बार रक्षा मंत्री बने और जबकि सरकार का गठन तीसरी बार हुआ है, एक बार फिर से रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह ने पदभार ग्रहण किया। पहले प्रायोरिटीज थी, वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, यह हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट यह है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं, यह हमारा उद्देश्य है। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे, हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न ही होगा, क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व है। इधर जम्मू कश्मीर के हालात की पीएम मोदी ने समीक्षा की है। पीएम ने अमित शाह और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से चर्चा की है। पीएम ने एनएसए समेत कई अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की पीएम ने जानकारी ली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं उसकी समीक्षा की है प्रधानमंत्री मोदी ने। वहां पर आतंकियों के खिलाफ अभी तक जो एक्शन लिया गया है उसकी भी जानकारी पीएम मोदी ने ली है। खास बात यह है कि इस समीक्षा बैठक में पीएम मोदी के साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और इसके अलावा एनएसए से भी तमाम जानकारियाँ प्रधानमंत्री मोदी ने ली हैं। उधर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज अपना पदभार संभाल लिया। जयंत ने शिक्षा मंत्रालय पहुंचकर शिक्षा राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बतौर शिक्षा राज्य मंत्री उनको जिम्मेदारी मिली है और आज उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही दोनों राज्य मंत्री, इन्हीं में से एक जयंत चौधरी। आप देखिए आज सभी ने अपना अपना कामकाज संभाल लिया है। सांसद बनने के बाद पहली बार अक्षय यादव फिरोजाबाद पहुंचे, जहां पर उनका जगह जगह फूलमालाओं से स्वागत हुआ। इस दौरान पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। अक्षय यादव ने कहा कि शिकोहाबाद सिरसागंज में सड़क की समस्याओं का समाधान करेंगे और फिरोजाबाद को जाम से निजात दिलाएंगे। क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां सड़क नहीं है, सड़क हो, पानी की समस्याएं हैं जो टूला विधानसभा में और जसलाना में उनको पूरा करना, जो इधर सुखाबाद और
कुंडला का क्षेत्र जिनमें सड़क बननी है, कनेक्टिविटी जोड़नी है, उनका काम फिरोजाबाद को जाम से निजात दिलाने का काम, ये सारे काम है जिनको वादा करे थे जो हम लोग चालू कर देंगे जल्दी से। और आज पहली बार आए हैं, सर्टिफिकेट लेके जब यहाँ से गए थे उसके बाद सभी लोगों को धन्यवाद देने आए हैं, सभी को कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। गोरखपुर में भीषण गर्मी के चलते अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ओपीडी तक पूरा हॉल मरीजों से भरा हुआ है। इन दिनों अस्पतालों में उल्टी, बुखार, स्किन से संबंधित मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर तेज धूप से बचने और खान पान में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इस समय जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया गर्मी के कारण से, काफी ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको गर्मी से संबंधित जितनी बीमारी होती है, लक्षण होते हैं, काफ़ी उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है, बुखार हो जाता है, उल्टी दस्त हो जाता है, इस तरीके के आ रहे हैं। लेकिन ये नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, माइल्ड मॉडरेट में ही आ रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे हमारे बीआरडी में एक अलग से वार्ड में उनका पूरी व्यवस्था किया गया है, अलग से एक वार्ड बना दिया गया 10 बेड का, कम से कम उसमें सारी व्यवस्थाएँ रखी गई हैं। ओपीडी उस कारण से कुछ ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इधर भीषण गर्मी की वजह से जंगली जानवरों का भी बुरा हाल है। वाराणसी के सारनाथ स्थित मिनी जू में गर्मी के कारण तमाम पशु पक्षी परेशान हैं। जू प्रशासन ने गर्मी से पक्षियों और जानवरों को बचाने के लिए तमाम कवायद शुरू कर दी। यार रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।